Hello friends, welcome to video lecture series of computer graphics. In today's session, we are going to talk about the scaling with respect to an arbitrary point. बेटा ये जो 3D scaling की बात है, scaling और translation दोनों ऐसे transformation हैं जो 2D और 3D में almost same से हैं. बस we have to add scaling factor और translation factor for that axis also, because अब हम जो स्केलिंग या ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्ट, तो तीनों एक्सिस पे ट्रांसलेशन पॉसिबल है. इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्केलिंग विद रेस्पेक्ट टू अ आर्बिट्री पॉइंट, सो आपको कुछ ज्यादा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं. इट इज क्वाइट सिमिलर जैसा कि हम मान करते थे. हम स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन करते हैं तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज दैट कि उसमें स्केलिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होता है, बट वी डोंट वांट टू ट्रांसलेट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट थिंग, दैट इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मेरा पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम स्केलिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करके कहाँ लेके आएंगे, ओरिजिन पे लेके आएंगे. बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज वी हैव अ matrix to scale the object with respect to the origin, और फिर scaling perform करेंगे with respect to the origin, और फिर उसको translate back करके लेके जाएंगे तो point जहाँ से हम उसको translate करके लेके आए थे. So hope so आपको ये three step clear हो गए होंगे जो हम scaling में perform करेंगे. Scaling basically है क्या, पहले तो ये बात I think clear होनी चाहिए, क्योंकि हम already 2D transformation में इसके बारे में discussion कर चुके हैं. फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, स्केलिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर दें, उसको छोटा या बड़ा करने की कोशिश कर दें. सो वी आर ट्राइंग टू चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट प्रॉब्लम इज हियर दैट कि हमें किसी एस्पेक्ट आर्बिट्री पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी स्केलिंग करनी. तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपल तीन स्टेप फॉलो करिए. आप क्या करिए, अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसलेट बैक करके ओरिजिनल पे ले आइए, वहां पे स्केलिंग करिए, स्केलिंग करके फिर उसको ट्रांसलेट बैक करके ले जाइए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. अगेन हम यहाँ पे फिर से वही तीन मैट्रिक्स का यूज करेंगे. दिस इज माय ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इन 3D, तो ये मेरे ट्रांसलेशन फैक्टर्स होते हैं, ये TX, TY, TZ. हमारे केस में इनकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, बिकॉज ट्रांसलेट बैक कर रहे हैं. तो कितना ट्रांसलेट कर रहे हैं, XP, YP, ZP, ये पॉइंट्स थे जिस वजह उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करना चाह रहे थे, स्केलिंग परफॉर्म करना चाह रहे, राइट. कितना ट्रांसलेट बैक करेंगे, XP, YP और ZP. देन वही ये मेरा स्केलिंग का था, आपने पहले भी देखा है, 2D में भी देखा है स्केलिंग मैट्रिक्स को. यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा एक्सेस और ऐड हो गया, दैट इज जेड एक्सेस. SX, SY, SZ आर द स्केलिंग फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. कितना मुझे एक्स में स्केल करना है, मतलब कितना साइज एक्स में चेंज करना है, वाई में चेंज करना है, जेड में चेंज करना है. मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वली होता है, इक्वली हम जूम कर रहे हैं, इक्वली उसको कंप्रेस करते हैं, सप्रेस और करना है, कंप्रेस करना है, छोटा करना या फिर बड़ा करना, दैट इज टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलिंग. नाउ आफ्टर स्केलिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट इन अ रिवर्स डायरेक्शन. कितना ट्रांसलेट करके लेके गए थे हम उसको बैक टू वापस, XP, YP, ZP, हम उतने अमाउंट उसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ट्रांसलेशन में आपको पता है जो बड़ा कॉर्डेट ऐड होते हैं ना, वैल्यूज जो भी होती है. So this is my final matrix which is going to be used for to scale any object with respect to any arbitrary point. इसको evaluate करने का तरीका आपको पता है ना, हमेशा हम लोग right hand side से evaluate करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले S और T evaluate होंगे, then उसका inverse होगा, क्योंकि सबसे पहले हम translate back करके लेके जाएंगे, फिर scale करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसको translate, फिर दोबारा से उसकी position पे लेके जाएंगे. तो ये वही मैट्रिक्स है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस करी है, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही सेम चीज प्रोसीजर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, रो कॉलम मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट रिमेन एक्सेस, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन में क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, आप देख सकते हैं. बाकी SX में यहाँ पे SP आ जाएगा, और बाकी सारे पोर्शन में क्या होगा, जीरो होगा. सिमिलरली सेकेंड रो की बात करें तो यहाँ पे SY रिमेन, और इसका SY की मल्टीप्लाई विद YP. तो जब आप इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें ये जो वैल्यू होगी ये ऐड ऑन हो जाएंगी इस पर्टिकुलर स्केलिंग फैक्टर. तो फाइनली वी कम टू द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्केलिंग
matrix with respect to a arbitrary point. So this is my scaling matrix with respect to a arbitrary point where xp, yp, zp kya hai mere, wo points hai jiske respect mein hum kya karna chahte hai, scaling perform karna chahte hai. X, y, z are the coordinates of the object jisko hum kya karna chahte hai, scale karna chahte hai. X dash, y dash and z dash kya hai, that is the coordinate of the newly created object. So this is the matrix representation, this is the equation representation. Aur equation aapko pata hai yahan se ban jati hai, humne aapko kai baar bataya. आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स और ये वाला पोर्शन रेस्ट वाई और जेड जेड जो होंगे आपके जीरो हो जाएंगे, बी लेफ्ट विद दिस पोर्शन. तो इसमें मैंने एक्स पी कॉमन लिख के लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, सो डोंट गेट कंफ्यूज. सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, वाई के बात करें तो वाई में भी सेम चीज ही है. ये पोर्शन पे वाई वाला पोर्शन रह जाएगा, बाकी एक्स और जेड जीरो हो जाएंगे और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ये जो लास्ट वाला पोर्शन होगा इसमें वाई पी मैंने कॉमन लिया है, लास्ट वाले में जेड पी कॉमन लिया हुआ और बाकी चीजें एज इट इज है. अगर मैं इनकी बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट में, एक्स जेड वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट आफ्टर स्केलिंग है और एस एक्स वाई जेड क्या है, दे आर एस एक्स एस वाई एस जेड मेरे यहाँ पे क्या स्केलिंग फैक्टर है अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सेस और ये मेरे पॉइंट है आर्बिट्री पॉइंट, वो क्या है मेरा एक्स पी वाई पी एंड जेड. सो स्केलिंग विद रेस्पेक्ट टू आर्बिट्री पॉइंट बहुत ही बड़ी सिंपल है, बड़ी ईजी है. तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू. इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट तो हमें तीन स्टेप प्रोसेस करनी है. सिंपली क्या करना है, पहले उसको ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे ले जाना है, देन उस पर स्केलिंग परफॉर्म करनी है, आफ्टर दैट उसको ट्रांसलेट करके वापस उसकी ओरिजिनल पोजिशन पे लेके जाना है. इसके लिए हम बेसिकली तीन मैट्रिक्स का यूज करेंगे, वन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेटिंग बैक टू द ओरिजिन, फिर स्केलिंग, फिर उसको ओरिजिन से दोबारा से वापस ले जाने के लिए फिर एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का यूज करेंगे. सो फाइनली वी कम अप विद द इक्वेशन. तो ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए या फिर ये मैट्रिक्स याद कर लीजिए, दोनों में ही आपका काम पूरा हो जाएगा. होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था वो भी आपको समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, होप सो आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे. अगर आपके कोई सजेशन एंड कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट करिए, आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पुट करिए. We will definitely going to answer that particular question. So don't forget to subscribe my channel, because agar aap mere channel ko subscribe karte hain, you will get the notification of newly created videos. Thanks for watching. Thanks for motivating us and watching the videos. Thank you so much.